दोस्तों ये एलिजेरेसियम है, इसको पेपर फ्लावर भी कहते हैं, और उसकी वजह ये है पेपर फ्लावर कहने की कि जब इसको टच किया जाए तो ये बड़ी ज़बरदस्त आवाज़ निकालते हैं, बिल्कुल साउंड इनका पेपर की तरह होता है। और इसमें बहुत सारे कलर हैं, हर तकरीबन कलर में इसका फूल मिल जाता है। तो इसको जब पनीरी उगाते हैं आप, ये विंटर फ्लावर के साथ उगाई जाती है, और जब लगाने लगें तो ये 20 सेंटीमीटर टू 40 सेंटीमीटर इतने डिस्टेंस पे लगानी चाहिए, और गमलों में भी लग जाती है। ये मेरे प्लांट तो गमले में लगे हुए हैं और बहुत ही अच्छा रिजल्ट दे रहे हैं। और जब सीड कलेक्ट करने हो तो जब ये सेंटर का पोर्शन ये वाला ये बड़ा हो जाएगा और फैल जाएगा और रुई की तरह काटन की तरह हो जाएगा, तो उस वक़्त उड़ने का जब टाइम है निकाल लें, वो उसका मतलब है कि सीड कलेक्शन के लिए तैयार है। तो वो फूल काट कर उसका सेंटर से वो हटाएंगे जो स्वेल हुआ एरिया है, तो वहाँ नीचे से आपको ब्लैक ब्लैक कलर के सीड मिलेंगे। इसको सैंडी सॉइल बालू मिट्टी में सैंड ज़्यादा जिसमें हो वो पसंद है, और अगर इसकी पानी की कमी आएगी और ज़्यादा हीट भी मिलेगी तो ये एक बार मुरझा जाता है। लेकिन जब भी आप दोबारा पानी देंगे तो ये दोबारा विद इन फ्यू मतलब आवर, एक आवर में या आधे घंटे में इवन ये स्टैंड अप हो जाएगा और आपको फ्रेश लुक देगा। इसके पत्ते भी अच्छे ग्रीन रहते हैं और इट्सेल्फ बहुत अच्छा खूबसूरत फ्लावरिंग प्लांट है।